कंचन कलश विचित्र समारे, सबई धरे सचिनि चिनि जिद्वारे, वंदन वारे पताका केतु, सबिन बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीत से अलंकृत कर और सजा कर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए वंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीती सुकल सुगंध सिचाई, गजमनि रची बहु चौक पुराई। नाना भाति सुमंगल साजे, हरसि नगरी निशाने बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित रों से सिंचाई गई, गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई। अनेक प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तह नारी निछावरी करही, देही असीसी हरस उर भरही। कंचन थारे आरती नाना, जुबती सजे करई शुभ गाना। स्त्रियाँ जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युक्ति स्त्रियाँ सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल कान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन कर के। पुरुषोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वह अति हर दुखों को हरने वाले और सूरकुल रूपी कमल वन के को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। नारी कमुदिनी अवधि सुर, रघुपति विरह दिनेश। अस्त भये बिगसति भई, निरखि राम राकेश। स्त्रियां कमुदिनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर है। इस विरह सूर के ताप में वो मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर के अस्त होने पर भी श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वह खिल उठी। हो सगुन शुभ विधि विधि बाजई गगन निशान। पूरी नरी नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कै कई लजानी, प्रथमता सुख रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गमन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं। वह पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझा कर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पूरी नर नारी सुखी सब भए। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुग्री सुदिनी समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन, आज सभी शुभ योग है। सब तुझ देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठई सिंहासन। मुनि वशिष्ठि के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहे बचन मृद विप्रियने का, जगी अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। मैं सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी के राज्य अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चले हो हरिशाय। रथी अनेक बहु बाजी गजी,
तुरंत सवारे जाए। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा, वह सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेक रथ घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ दामनि पठई मुनि मंगल द्रव्य मंगाए, हर्ष समेत वशिष्ठि पदी पुनि श्री नायो आए। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया।